बिहार के वैशाली में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत हो गई। कटहरा थाने के लॉकअप में पुलिस हिरासत में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप दिखा। थाने की पुलिस आनन फानन अस्पताल लेकर पहुंची तो जिले के एसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंच मामले की पड़ताल करते दिखे। दरअसल कटहरा थाने की पुलिस ने बहावालपुर के एक युवक अमरजीत चौधरी को कल देर रात हिरासत में लिया था। अमरजीत के पिता शत्रुघ्न रजक और पत्नी ने अमरजीत के खिलाफ थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। सुबह सुबह लॉकअप में बंद अमरजीत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस लॉकअप में सुसाइड की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप दिखा और जिले के वरीय अधिकारियों की टीम मामले की पड़ताल करती दिखी। मृतक कैदी का मुआवजा और पुलिस अधिकारी से पूछताछ के बाद जिले के एसपी ने मानवाधिकार के नियमों के तहत जांच और पूरी कार्रवाई की बात कही है। हालांकि फांसी लगाने या सुसाइड करने के सवाल पर एसपी मनीष ने कुछ भी कहने से मना कर दिया और कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जाएगा। जी देखिए, जो जानकारी मिली है अमरजीत चौधरी नाम से व्यक्ति हैं, कटहरा के नगर भावलपुर गांव के रहने वाले हैं। इनकी डेड बॉडी यहां पर है। कटहरा में इनके घर वालों ने, इनकी वाइफ और इनके पिताजी ने इन पर ही कंप्लेंट किया था कि ये मारते पीटते हैं। तो उनको फिर उस कंप्लेंट के आलोक में थाना पर लाया गया था, जहाँ पर इनकी तबीयत खराब हुई। जो घटना हुई है वो पोस्टमार्टम करा रहे हैं हम लोग। इसका जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब से हम रिक्वेस्ट किए हैं जो पूर्ण गाइडलाइंस हैं मानवाधिकार की वीडियोग्राफी होगी, मेडिकल बोर्ड होगा, उस सबसे सा पालन किया जाएगा। जब पूर्ण जांच रिपोर्ट हम लोग अब करेंगे उसके बाद हम आप लोगों को बेहतर बताने की स्थिति में रहेंगे। मौत कैसे हुई सर? आई बिलीव पोस्टमार्टम के लिए हम लोग वेट करें, उसके बाद में हम बता पाएंगे। फांसी लगाने की बता रही हूँ मैं, अभी नहीं कह पाऊँगा। सारी संभावनाएँ खुली हुई हैं। जो थाने ने इनको यहाँ पर लेकर के आया, PSC के लिए भेजा, PSC से यहाँ पर आए हैं। एंड नाउ वील वेट फॉर द रिपोर्ट। जो इंक्वेस्ट होगी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के उपस्थिति में होगी एवं इनका मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाएगा, तो हम आपको बता देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।